ठीक है, अच्छा है। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम लोग बना रहे थे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, सेट वाइज और आरआरबी 3200, ये वाला बुक हम लोग बना रहे थे रेलवे गणित का। ठीक है, अगर आप लोग यही वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले सभी क्वेश्चन बना दिया गया है, उनको भी देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग आरआरबी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट 2 के प्रश्न बनाएंगे, जो शुरुआत होगा 104 नंबर से। ठीक है, 103 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन पीछे के सभी वीडियो में बनाया गया है, उनको जरूर देखें। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों का स्वागत है। एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज के दर पर इसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कहा है प्रश्न में कि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो बच्चों इसको फॉर्मूला से भी बनाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं। 3 गुना होने का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया अगर लगाए तो 300 रुपया हो गए, यानी ब्याज कितना मिला 200 रुपया, यानी 200% ब्याज मिला। 3 गुना होने का मतलब 200% ब्याज। ठीक है, 4 गुना होने का मतलब 300% ब्याज। एन गुना होने का मतलब n-1 × 100% ब्याज। किसी ने कहा कोई राशि 6 गुना हो गया मतलब 500% ब्याज मिला। किसी ने कहा 5/4 गुना हो गया, तो 5/4 में से 1 घटाएंगे 1/4 आएगा, 100 से गुना करेंगे 25% ब्याज मिला। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा गया है 3 गुना हो जाता है राशि। 3 गुना होने का मतलब कि 200% ब्याज मिला। 3 गुना होने का मतलब कितना ब्याज मिला 200%। बच्चों ध्यान देना, 200% ब्याज मिला कितने साल में, 8 साल में। 200% ब्याज मिला 8 साल में तो रेट निकल जाएगा। 200% ब्याज 8 साल में तो रेट कितना हुआ 25%। देखो 200% 8 साल में मिला ना, रेट का मतलब होता है एक साल में कितना मिला। 200% 8 साल में तो एक साल में मिला 25%, तो रेट हो गया हमारा 25%। फिर कहा है समान ब्याज के दर से, यानी इसी दर से 25% के ही दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, अब हमें करना है 5 गुना। 5 गुना यानी 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा। हमने देखा कि रेट है 25% वार्षिक, यानी 25% एक साल में मिल रहा है, तो 400% मिलने में कितना साल लगेगा, 16 वर्ष लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 105 पे आप लोगों का स्वागत है। ध्यान लगाना, गौर फरमाना और प्रश्न संख्या 105 पे आना। 105 लिखा गया 16/a = √√0.25। तो कहा गया कि a का मान बताइए। 16/a = √√0.25। तो a का मान क्या होगा, ये 16 जस के तस 1 जस के तस। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ये 0.25 है तो इसका वर्गमूल होगा 0.5। a बराबर इसको इससे गुणा कर लेंगे 16 5 80। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो a का मान आ चुका हमारा 8। बहुत इजी प्रश्न था बच्चों, 105 का उत्तर होगा a। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं बच्चों। 106 नंबर क्वेश्चन। एबीसी साझेदारी में कंपनी, लिखा है एबीसी एक साझेदारी में कंपनी में, एबीसी एक साझेदारी में कंपनी में 1,20,393 रुपया का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे एबीसी में 5:3:1 में बांटा जाता है, तो बी को कितना मिलेगा। ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, 5:3:1 में बांटना है एबीसी के बीच में, 5:3:1 में, और टोटल मुनाफा हुआ है 1,20,393 रुपया। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न में रेशियो के अलावा दिया है टोटल मुनाफा 1,20,393। तो हम देखेंगे रेशियो में टोटल मुनाफा कितना है, रेशियो में टोटल मुनाफा 9 है और प्रश्न में टोटल
मुनाफा है 120,393 रुपया, यानी 9 कमान है 120,393 रुपया, अनुपात 9 कमान इतना है तो 1 कमान कितना होगा, 9 से इसमें भाग देंगे हम लोग, 9 एकम 9, 3 बचा 3 पर 29, 9 तिया 27, फिर 3 बचा 3 पर 3 33, ठीक है, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 33 में से 27 गया कितना बचा, 33 में 27 गया 6 6 पर 9 69, 9 7 69 में हम लोग 9 से भाग देंगे, 9 7 63, 6 बचा 6 पर 3 63, 9 7 63, 13,377 गुना। मान किसका निकालना है बच्चों, कहा गया बी का हिस्सा बताइए, बी है हमारा रेशियो में कितना, 3 3 में गुणा करेंगे 13,377 से, गुणा करेंगे 7 21, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन के लास्ट में 1 है, ठीक है, इतना रुपया हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 107 की करते हैं बात गोस्वामी सर के साथ, 107 पे आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 107, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, उनका एलसीएम निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता है, कहा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 24 और कहा गया है कि निम्न में कौन उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, ध्यान लगाएंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ 24, निम्न में कौन उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, तो एक बात समझ लेंगे कि एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभाज्य होता है, याद रखना है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभाज्य होता है, और दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है तो कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, आइए चेक करते हैं, 24 से 118 कटेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कौन सा हो सकता है, सॉरी प्रश्न हम उल्टा पढ़ रहे हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, इसका एलसीएम कौन सा हो सकता है, हो सकता है निकालना है, नहीं नहीं कौन सा हो सकता है, तो वही होगा जो कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम सदैव एचसीएफ से विभाज्य होता है, वही होगा जो कट जाएगा, 24 से 118 कटेगा मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता है, 24 से 144 कट जाएगा, 24 छक्का 144 कट जाएगा, यानी ये एलसीएम हो सकता है, 24 से 128 नहीं कटेगा ये कभी नहीं होगा, 24 से 136 नहीं कटेगा ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम सदैव एचसीएफ से कटता है, ये तीनों नहीं कट रहा है, केवल बी कट रहा है, इसलिए उत्तर होगा बी, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाएंगे गौर फरमाएंगे, 108 लिखा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, कुल लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुआ, लिखा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, कुल लाभ अथवा हानि बताइए, ध्यान लगाएंगे क्रय मूल्य, दुकानदार जो है सबसे पहले सामान को खरीदेगा, उस पर लिखेगा, फिर उसको बेच देगा, ध्यान लगाएंगे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 25% ज्यादा लिखा, यानी जितना मैं खरीदा था उससे 25% बढ़ा के लिखा, ठीक है, फिर कहा है और अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया, यानी जितना लिखा है उसमें 25% कम करके बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि बताइए, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग समझेंगे बात को, आप कोई सामान 100 रुपये में खरीदे, 25 रुपया बढ़ा के लिख दिए तो कितना हो गया 125, 100 रुपया में खरीदे 25 रुपया बढ़ा के लिख दिए 125, आप 25% कम करके बेच दिए तो 125 में 25% कम करेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4, आ कम करेंगे तो बाबू 3/4, यानी इसमें 25% कम करने का मतलब इसका 3/4 गुना निकालना, 125 में 3 से गुणा करेंगे 375 बटे में 4, 4 9 36
और एक बचा एक पर पाँच पंद्रह, चार तियाई बारह, तीन बचा तीन पर चार सत्तर अट्ठाईस, चार पच्चीस बीस, यानी सौ के समान बेचाएगा 93.75 में। अब बताओ आप 100 रुपया में कोई सामान खरीदे हैं और इतना रुपया बेच रहे हैं, आपको घाटा लग रहा है कि फायदा? घाटा लग रहा है। कितना रुपया का लॉस हो गया आपको? 6.25 पा। कितना पे? 100 पे। 100 पर ही हुआ तो ये परसेंट में ही उत्तर आ चुका है, यानी 6.25%। ठीक है, परंतु मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इतना करने की हमें जरूरत नहीं है। ये बहुत साधारण सा प्रश्न है। देखो कैसे हम लोग जल्दी में करेंगे इसको बच्चों, ठीक है। लिखना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, जल्दी में कैसे करेंगे इस प्रश्न को। 25% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया, ध्यान देंगे। आपके क्रय मूल्य को 25% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा पे बेचाया? लाभ का मतलब यही ना होगा कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा पर बेचाया या कम पर बेचाया। 25% बढ़ा के फिर 25% घटा दिया गया, तो कुल मिला के कितना बढ़ा या घटा वही लाभ होगा। तो कुल वृद्धि या कमी निकालना हो तो AB फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। किसी चीज में एक बार वृद्धि किया जाए फिर कमी किया जाए, कुल मिला के कितना परसेंट वृद्धि या कमी हो, या परसेंटेज में कोई भी दो लगातार परिवर्तन हो और दोनों परिवर्तन के बदले में एक ही परिवर्तन निकालना हो तो ये भी फॉर्मूला प्रयोग होता है। ये भी फॉर्मूला आते हैं ना आप लोग को, परसेंटेज में प्लस 25, बी के जगह पे माइनस 25, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों को चिन्ह को गुणा करके 25×25 बट्टे में 100। जय हिंद जय भारत, ये हो गया 625 बटे में 100। माइनस में है तो 6.25 माइनस में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हानि। हानि प्लस में रहता तो लाभ, ठीक है, आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 109 पे आप लोगों का स्वागत है। 109 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा? एक समानांतर चतुर्भुज है, चलो समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 है तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखो BCD है, कोई भी बता देगा कि इसका एरिया इसके आधा होगा, पूरे का 25 है तो इसका एरिया क्या होगा? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा ऑप्शन में, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 110 पे आते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन आप तमाम श्रद्धालुओं के बीच में पेश किया जा रहा है, ध्यान लगाना। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। सिंपल बात है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यानी अपनी लंबाई को रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार की। किसकी लंबाई को? अपनी लंबाई को। लेकिन यही जब प्लेटफार्म को पार की तो 20 सेकंड को में पार की, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी, ध्यान लगाना, रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, तो ध्यान देना, रेलगाड़ी की अपनी लंबाई कितनी है? 250 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई हमें मालूम नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मालूम नहीं है। कहा है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मालूम नहीं है। अब दोनों को पार करने में रेलगाड़ी को कितना सेकंड लगा? 20 सेकंड। तो सिंपल बात है बच्चों, हमें पता है कि रेलगाड़ी जब खुद की लंबाई 250 मीटर लंबाई पार करती है तो उसको 8 सेकंड ही लगता है, यानी अपनी लंबाई पार करने में तो उसको 8 सेकंड ही लगेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म के लंबाई बढ़ने के चलते उसे 20 सेकंड लगा, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 12 सेकंड लगा। अपनी लंबाई पार करने में तो 8 सेकंड लगता ही लगता है, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। जब भी रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म को पार करती है उस केस में रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है, और प्रश्न में दिया गया है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, यानी अपनी वाली तो 8 सेकंड, प्लेटफॉर्म में रियल में लगा कितना है? 12 सेकंड लगा है। तो क्वेश्चन में लिखा है
बच्चों की प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब बताओ रेलगाड़ी 250 मीटर 8 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी का चाल हो गया 250/8। रेलगाड़ी 250 मीटर 8 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी का चाल कितना हुआ, 250/8, ठीक है। और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में, तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, किसका लंबाई निकल जाएगा, प्लेटफॉर्म का। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 से कटा वो 225 बार में, 225 में 3 से गुणा कर दिया, 675 मीटर। रेलगाड़ी का लंबाई आ चुका है, रेलगाड़ी का लंबाई आ चुका है बच्चों, ठीक है, ये 125 होगा, 125 × 3 = 375 मीटर, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितनी मीटर, 375 मीटर, ऑप्शन ए, सॉरी 375 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर 8 सेकंड में, तो रेलगाड़ी का चल 250/8, प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करना है तो 12 से गुणा कर दिए 375, ठीक है। और भी तरीका से लोग बनाते हैं लंबा करके, तो इसे करने हम की जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे, मिटा दें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपका 111 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4^3 × 5^6 = 10^m, कहा गया m का मान बताइए, बहुत साधारण सा प्रश्न है नहीं। अब देखो 4 को लिख सकते हैं 2^2 (3) गुणे 5^6 = 10^m, ये हो जाएगा 2^3 × 6 × 5^6 (10^m), a^n × b^n, हम लिख सकते हैं a×b^n, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 10^6 = 10^m, बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरे तरफ, बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी m का मान आएगा हमारा 6, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 112 पर आते हैं और ध्यान लगाते हैं, ठीक है, मिटा दें, ओके 112 पर आइए और ध्यान लगाइए बच्चों। 112, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान बताइए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, बहुलक से क्वेश्चन है, बहुलक, ठीक है। आंकड़ा दिया गया है 52 है, 45 है, 49 है, 56 है, फिर 52 है, x-3 है और 56 है। कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए, ध्यान देना, समझना बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए, जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आए बाबू, उसे उस डाटा का बहुलक कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा बार, एग्जांपल उसको बनाते हैं बाद में, उससे पहले ध्यान दो, 4, 3, 5, 2, 4, 2, 3, 4, एक ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, आपसे कोई पूछ दिया इसका बहुलक बताइए, ठीक है। तो आप देखो 4 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 आया है 3 बार, ठीक है। 3 आया है कितनी बार, 1 बार 2 बार, 3 आया है 2 बार, ठीक है। उसके बाद 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 1 बार, ठीक है। उसके बाद और कुछ है, 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब इसमें 4 आया है 3 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, उस प्रश्न को हम बाद में बनाएंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4 आया है 3 बार, 3 आया 2 बार, 5 आया 1 बार, 1 आया 1 बार, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4, तो इसका बहुलक कौन कहलाएगा, 4, बहुलक यानी बहुत बार आने वाला, जो बहुत बार आता है बहुलक कहलाता है। तो बहुत बार कौन आया है, 4, तो इस प्रेक्षण का बहुलक कौन हुआ, 4। अब आइए अपने प्रश्न पर आते हैं, आप लोगों ने एग्जांपल देखा, अपना प्रश्न है, कहा गया इसका बहुलक, प्रश्न में कहा गया कि इसका बहुलक 52 है तो x का मान बताइए, ठीक है। अब 52 के बारे में तो हमें पता नहीं है कितना बार आया है, लेकिन ये बताओ 45 कितना बार आया है, सिर्फ एक बार 45 आया है 1 बार, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, 49 कितनी बार आया है, 49 भी तो 1 बार आया है। 56 कितनी बार आया है, 56 आया है 2 बार। उसके बाद 45, 49, 56, ठीक है, हो गया। अब बच्चों ध्यान लगाना, 52 कितनी बार आया हमें मालूम नहीं, लेकिन यहां 1 बार दिखा और 1 बार दिखा, 2 बार दिखा। अगर 52 2 बार ही आता तो ये बहुलक नहीं होता, क्योंकि 56 भी 2 बार आया, 52 2 बार ही आता तो बहुलक नहीं होता। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 52 अगर बहुलक है तो ये सब 1-1 बार आया है, ये 2 बार आया है, तो 52 जो है कम से कम 3 बार आया होगा,
कम से कम कई बार आया होगा, 3 बार, ठीक है। अब ध्यान देना, 56 आ गया, 2 बार 49 आ गया, 1 बार 45 आ गया, 1 बार 2, 1, 3, 1, 4, ये 4 गो हो गया, ठीक है। अब यहाँ डाटा का एगो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ध्यान लगाएंगे बच्चों। तो 4 बार ये आया है, यानी 52 3 बार आया होगा, तभी ना 7 डाटा होगा। 52 कितनी बार आया होगा, 3 बार। तो 52 3 बार आया, तो 1 बार 2 बार हमको नजर आ ही रहा है, मतलब एक्स माइनस 3 भी क्या है, ये 52 ही है, एक्स माइनस 3 52 ही है, 52 रहेगा तभी बहुलक 52 होगा, यानी एक्स माइनस 3 का मान क्या है, 52 है, यानी एक्स बराबर क्या होगा, 55, ठीक है। अच्छा है, मजा है, चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या कहां पर पहुंच चुके हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 113 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 113 पर आते हैं और ध्यान लगाते हैं, 113, ठीक है। चलिए बच्चों 113 नंबर क्वेश्चन पे आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है, ध्यान लगाना, गौर फरमाना, 113 पे आना। निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों को खेल को दर्शाया गया है, यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताइए। बच्चों ध्यान लगाएंगे, आपकी किताब में ये चित्र होगा, हम चित्र नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर एक दिया गया है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इधर गेम ए, गेम बी, गेम सी, गेम डी, गेम ई, यानी गेम ए खेलने वाले लोग 20-25% के बीच में हैं, यानी कि 20-25 के बीच में हो जाएगा 22% लोग गेम ए खेलते हैं। गेम बी खेलने वाले हो गए 20%, गेम सी खेलने वाले 10%, गेम डी खेलने वाले 15%, गेम ई खेलने वाले भी हो गए 22%। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, तो डी का आप देखिए कहाँ तक गया है, डंडा लेक तक गया 15%, यानी D है 15%, जो संख्या में 165 है, 15% का मान 165 है। तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या बताइए, मतलब 100% का मान कितना, 15% का मान 165, तो 100% का 165 बटा 15 गुणे 100, 15 से कट जाएगा हमारा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 11 बार में उत्तर आ गया हमारा 1100, ठीक है। तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न था, अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों और ध्यान लगाते हैं। प्रश्न संख्या 114 पर आते हैं, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है, ध्यान लगाना। यहां पर चावल के 3 ढेर है, 120 किलो, 144 किलो, 204 किलो, 3 ढेर है चावल का, 3 ढेर, एक 120 केजी का चावल रखा हुआ है, 144 केजी रखा हुआ है, फिर 204 केजी रखा हुआ है चावल। क्वेश्चन में कहा गया एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें कि प्रत्येक ढेर के चावल के बैग को सटीक संख्या माप सके, हमें बड़ा से बड़ा साइज का एक बर्तन चाहिए जो तीनों चावल को माप सके, बड़ा से बड़ा साइज का चाहिए जो तीनों के माप सके, बड़ा से बड़ा संख्या जिससे तीनों कट सके, क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों का HCF निकालेंगे, HCF निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से चेक कर लेंगे किससे सब कट रहा है, ऑप्शन ए है 12, बी है 10, सी है 15 और डी है 18, इनका HCF निकालना, इसमें सबसे बड़ा 18 है, 18 से 204 कटेगा नहीं तो 18 नहीं होगा, 15 से बाबू 144 कटेगा नहीं 15 नहीं होगा, 10 से भी 144 कटेगा नहीं 10 नहीं होगा, 12 से 120 भी कट जाएगा, 12 से 144 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 12 कम 12 1284, इसलिए उत्तर क्या होगा ए। HCF अगर है तो कटना चाहिए सब, नहीं तो भाग विधि से भी HCF निकाल सकते हैं, परंतु निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 115 पे आते हैं बच्चों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना और 115 पे आना। 115 दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, और फिर कहा है a अनुपात b बराबर 1:3 का ए बी का मान बताइए, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर 100, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 10, a और b का रेशियो है 1:3, रेशियो दिया है ना, यानी रेशियो में दोनों मिला के 4 है, क्वांटिटी में दोनों मिला के 10 है, ए और बी का रेशियो 1:3, रेशियो में दोनों मिला के 4 है, ओरिजिनल में 10, 4 का मान 10, यानी 4 2 10, 4 में कितना से गुणा करें 10 है 2.5 से, तो ए का मान निकालना, 1 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा 2.5, अब बी का मान निकालना, इसमें 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, हमें दोनों को गुणा करना है ए बी,
ए बी को गुणा करना है, ए गुणे बी निकालना है, यानी अढ़ाई गुणे साढ़े सात, ठीक है। तो हमारा आएगा, गुणा करेंगे बच्चों ए और बी, तो 18.75, ठीक है, समझ रहे हैं। चले आगे, प्रश्न संख्या डी उत्तर हुआ 116 का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 117, 117 पे आते हैं। 117 सरल कीजिए, 3/7 जोड़ 3/3 1/7। अब 3/7 ये देखें, 7 × 21 = 22 हो जाएगा, प्लस 3/22 = 7 हो जाएगा। ये 3 कट के ऊपर चला गया और ये 7 कट के ऊपर चला गया, 9/22 प्लस 21/22, उत्तर होगा हमारा 30/22। 30/22 2 से कटा देंगे 15, 2 से 11 1/4/11, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। 118 नंबर प्रश्न पर आप लोग का फिर से स्वागत है। 118 पर आते हैं, ठीक है। ये तो बट्टा का गुणा, 8 × 1/3 × 4 × 1/5 × 5 × 5 24 × 25 × 3 × 20 × 4 × 21 × 5 को गुणा कर देते हैं, ये होगा 21/4, तो इसको कर देंगे 4/21, आता है ना, 21 कैंसिल, 50 25, 20/3, 6/2/3, ठीक है, ठीक है ना। 104 से 118 हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन बनाया है, और बाकी 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और पर डे 2 वीडियो लोड होगा, एक सुबह में 10 बजे के आसपास और एक शाम में 7 से 8 बजे के आसपास। इसलिए पर डे 2 वीडियो के द्वारा एक सेट को हम कंप्लीट करेंगे, और आप रेगुलर मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये पूरी किताब हम बनाएंगे, पूरी किताब बनाएंगे, ठीक है। आपको कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं, इस किताब का किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारा का सोल्यूशन हम इसी यूट्यूब चैनल पर करा देंगे, और कुछ अलग से क्वेश्चन भी कराएंगे, गेस्ट क्वेश्चन जो आपको रेलवे NTPC के एग्जाम में काम आएगा। इसलिए मेरे साथ बने रहें, रेलवे NTPC की गणित की पूरी तैयारी की हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।